रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रहा है और इस अभियान की सराहनीय पहल को आगे बढ़ाते हुए कनाडा के डॉक्टर्स ने छात्रालयों के निर्माण का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत करते हुए कनाडा के डॉक्टरों ने उन्नाव के कुशुम्भी गाँव में छात्रालय का भव्य निर्माण कराया। शुभ कार्य में भारतीय अमूल के राजकुमार निगम द्वारा दान की गई कई बीघा जमीन पर डॉक्टरों की टीम द्वारा छात्रालय का निर्माण कराया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाली छात्राओं की मानसिकता का चहुमुखी विकास करना है। जो बच्चे उन गांव में पैदा होते हैं उनके लिए स्कूल जाने की कोई संभावना नहीं है। वो बिना शिक्षा के इंसान का मानसिक विकास नहीं होता तो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता, जिंदगी में भौतिक आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकता। सराहनीय इसलिए मानते हैं कि किसी के मन में ये चीजें तो आई, जो आदमी 40 साल पहले इंडिया छोड़ करके कनाडा चला गया है और आज इसके हॉस्पिटल में कोई ऐसा वो नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल इनके 90 लोग काम करते हैं। कनाडा में प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर टीपी पपनेजा का है और इतना बड़ा किसी पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां भी वो काम करते हैं। अब आप सोचिए एक आदमी इतनी दूरी से क्यों आएगा, उसके मन में ये शुरू से, जैसे हमारे साथ पढ़े हैं, मैं इनसे 2 साल सीनियर रहा इंदौर डेंटल कॉलेज में, और लेकिन मैं शुरू से इसके देखा हूँ, इसको कभी मैंने पढ़ते नहीं देखा। हाँ जी, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत ही जरूरी काम है जो सबको जुड़ना चाहिए इससे, क्योंकि इससे ही देश की तरक्की होगी और इससे जब नारी के लिए एक रिस्पेक्ट होगी, अगर आप नारी को अपनी माँ को रिस्पेक्ट करें तो और उन्नति होगी देश की और जो वैल्यू सिस्टम है हमारे देश का वो इम्प्रूव होगा। आई थिंक इट विल हेल्प करप्शन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज जो लड़कियां होती हैं वो अपना घर संभालती है, वो हर चीज कर सकती हैं। ये बेटियों के लिए और लेडीज के लिए मानसिक स्वास्थ्य का हम बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम लोग उनका सुधार कर लेते हैं और मानसिक रूप से वो लोग संबल स्वस्थ रहती हैं तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बेटियों के लिए बल्कि जो हमारी एल्डरली लेडीज हैं, बड़ी लेडीज हैं, उन लोगों को भी संबल होना बहुत ही जरूरी है। और बल्कि ये जो छात्रावास इन्होंने दिया है, मैं इसलिए प्रेरित हूँ इससे कि मैं वनस्थली विद्यापीठ में राजस्थान में एकदम गांव में जो यूनिवर्सिटी आज बनी हुई है उसकी मेरी पढ़ाई है। मेरे पिताजी राजकुमार निगम, उन्होंने ये लैंड डोनेट किया है और उनकी बहुत ही हार्दिक इच्छा थी कि हमारे ग्रैंड फादर जो महाशय चित्रसेन निगम और हमारी ग्रैंड मदर रामकली देवी, वो उन्नाव और जाजमऊ एरिया की हैं, और जब हम लोग कैनेडा में थे और मेरे पिताजी ने ये सोचा कि हम लोगों को यहाँ पे ये डोनेट कुछ ऐसा कोई नोबल कॉज करें, तो क्योंकि हम लोगों के रूट्स यहीं के हैं और हम लोग कानपुर के वैसे रहने वाले हैं, ये अरसा हो गया हम लोगों को कैनेडा टोरंटो गए हुए, पर हम लोगों के रूट्स जो हैं वो कानपुर के हैं, तो ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ का एरिया चूज किया।